हेलो स्टूडेंट, आज हम एक नए वीडियो के साथ फिर आप लोगों के सामने आए हैं। आज का वीडियो है बी फॉर्म सेकेंड ईयर के फोर्थ सेम के स्टूडेंट के लिए और सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी। आज का टॉपिक अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग्स है। हमने इसे पिछली वीडियो में आप लोगों को ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग्स के बारे में बताया था और ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग्स पे हम लोग क्या किए डिस्कस किए थे। तो आज हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं पिछली जो क्लास में क्लास थी कि क्रूड ड्रग्स क्या होती है। क्रूड ड्रग्स एक नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस होती है जिसमें किसी प्लांट का कोई पार्ट या ड्राइव सब्सटेंस, एनिमल का कोई पार्ट या ड्राइव सब्सटेंस या मिनरल से ऑब्टेन करते हैं। जो नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस है उसका यूज हम प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट में करते हैं किसी डिजीज के ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन और डायग्नोसिस में यूज करते हैं। ऐसी ड्रग्स क्या बोलते हैं? क्रूड ड्रग्स बोलते हैं, ठीक है। और ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स क्या होती है उसके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स क्या है? वो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स जो होती है वो किसी एनिमल या प्लांट ओरिजिन होती है, एनिमल और प्लांट ओरिजिन होती है और उसमें क्या होता है, सेलुलर स्ट्रक्चरल होती है। मतलब उसमें उस पार्ट का जो पार्ट प्लांट पार्ट या उससे ड्राइव सब्सटेंस है उसमें सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। जो एनिमल है, एनिमल का जो पार्ट हमने यूज किया है उसका सेलुलर स्ट्रक्चर है। और अगर हम अनऑर्गेनाइज ड्रग्स की बात करते हैं तो अनऑर्गेनाइज ड्रग्स का भी सोर्स क्या है और अनऑर्गेनाइज ड्रग्स की ओरिजिन क्या है, प्लांट है, एनिमल है और क्या है, मिनरल है। उसमें क्या था, मिनरल नहीं था। तो इसकी जो जिसे जहां से हम ऑब्टेन कर, दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, एनिमल और मिनरल ओरिजिन। इसकी जो है ये तीनों की ओरिजिन है, तीनों से हम ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ प्लांट आर एनिमल। इसमें पार्ट जो प्लांट या एनिमल का जो पार्ट है वो नहीं यूज होता बल्कि उसका क्या होता है, डिराइव सब्सटेंस यूज होता है जिसको हम बाई फिजिकल प्रोसेस से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। और फिजिकल प्रोसेस में जैसे एक्सट्रैक्शन हुआ, डिकॉक्शन हुआ आपका और डिस्टिलेशन हुआ या और आपका इंसीजन, एक्सप्रेशन और नेचुरल सिक्रीशन से हम उसको क्या करते हैं, उस ड्राइव सब्सटेंस को ऑब्टेन करते हैं। अब एक्सक्रीशन एक्सट्रैक्शन क्या होता है, एक्सट्रैक्शन क्या होता है या डिकॉक्शन क्या होता है, एक्सट्रैक्शन क्या होता है कि वाटर होता है उसमें हम जो जिस प्लांट का या एनिमल पार्ट का हम डिराइव सब्सटेंस निकालना हुआ होता है उसको हम क्या करते हैं, उसमें बॉयल कर लेते हैं। बॉयल करने के बाद हम उसे फिर छान लेते हैं। छानने के बाद जो एक्सट्रैक्ट उसमें निकल के आया है उसको हम ड्राई करके थेरेप्यूटिक यूज में ले आते हैं। इसी प्रकार डिस्टिलेशन में होता है या आइसोलेशन करते हैं। इसके बाद इंसीजन में कि जिसका लेटेक्स या जैसे हो गया पपया और पपया का हमें निकालना है और पपया वेरिन से उसके फ्रूट से निकालते हैं हम और उसे चीरा लगा के उससे जो मिल्की प्रोडक्ट होता है जो उसमें सिक्रीट होता है, चीरा लगाने के बाद उसमें वाटर मिल्की सिक्रीशन होता है उसको हम क्या करते हैं, ड्राई कर लेते हैं। इसी प्रकार एक्सप्रेस जैसे हम मस्टर्ड ऑयल का हम एक्सप्रेस करके उसका स्ट्रक्ट निकालते हैं और उसको यूज करते हैं। नेचुरल सिक्रीशन क्या होता है, नेचुरल सिक्रीशन किसी पार्ट के रूट, स्टेम या किसी भी पार्ट से एक लेटेक्स सिक्रीट होता है जिसको हम बाय थेरेप्यूटिक यूज कर में लाते हैं। ये सब क्या है, प्रोसेस है किसके, अनऑर्गेनाइज ड्रग्स के ऑब्टेन करने के, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दे डू नॉट हैव सेलुलर स्ट्रक्चर। इसमें जो पार्ट का प्लांट का पार्ट या एनिमल का पार्ट जो हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि उससे ड्राइव सब्सटेंस ऑब्टेन कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें कोई सेलुलर स्ट्रक्चर उसका नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, दीज आर सॉलिड, सेमी सॉलिड आर लिक्विड इन नेचर। इसमें जो ड्रग्स हम ऑब्टेन करते हैं या तो सॉलिड में होगी या सेमी सॉलिड में होगी या लिक्विड इन नेचर में होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट,
एसेंशियल ऑयल फिक्स्ड ऑयल 5 या वैक्स आर डायरेक्ट कमोडिटी फॉर यूज, मतलब कि जो हम डिराइव सब्सटेंस निकाल रहे हैं वो एसेंशियल ऑयल में होगा, फिक्स्ड ऑयल के रूप में होगा, फैट के रूप में होगा और वैक्स के रूप में होगा, जिसे हम डायरेक्टली थेरेप्यूटिक यूज में ले आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम, तो जनरली आइडेंटिफाई बाय ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर। ऑर्गेनोलेप्टिक हम इसको किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं, ऑर्गेनोलेप्टिक क्या होता है, ऑर्गेनोलेप्टिक में हमें जिस ड्रग्स का, जिस प्लांट या जिस ड्रग जिससे हम डिराइव करेंगे उसका अगर हमें आइडेंटिफाई करना हुआ तो हम क्या करेंगे, बाय सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन का मतलब हम उसके कलर, टेस्ट और उसके ऑर्डर को देख के करके टेस्ट करके हम उसको क्या करेंगे, ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये ऑर्गेनाइज ड्रग्स है या इस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 7 नंबर, माइक्रोस्कोपी स्टडी आर नॉट रिक्वायर्ड, केमिकल टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड आर कंफर्मली टेस्ट। मतलब कि इसमें माइक्रोस्कोपिक की कोई जरूरत, टेस्ट की कोई जरूरत नहीं होती और इसमें क्या है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी की कोई जरूरत नहीं होती, इसमें केमिकल टेस्ट होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड उसके देखे जाते हैं जिसे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, कि ये अनऑर्गेनाइज ड्रग्स है, इसके इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, कि मतलब इसमें केमिकल टेस्ट होता है और उसके फिजिकल स्टैंडर्ड को टेस्ट करके हम पता लगा लेते हैं। ठीक है, अब हम इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिन एंड नेचर। जो ड्रग्स हैं, जो डिराइव सब्सटेंस है, उनके हम क्लासिफाई किए हैं उनके नेचर और ओरिजिन के हिसाब से। ठीक है, तो पहला क्या है, ड्राई लेटेक्स कहाँ से ऑब्टेन होता है, ओपियम का एक कैप्सूल होता है जिसमें वर्टिकली हम लोग क्या करते हैं, चीरा लगाते हैं, उस कैप्सूल से मिल्की लेटेक्स निकलता है और उसे वो एयर ड्राई करते हैं, फिर से उसे निकाल के फिर से ड्राई करते हैं, वो क्या है, ओपियम है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पपेन मतलब पपिस्ता, पपिस्ते के फल को क्या करते हैं, चीरा लगाते हैं और उसमें मिल्की प्रोडक्ट निकलता है और उसको हम ड्राई करके बाई थेरेप्यूटिक यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ड्राइड जूस, एलोए का ड्राइड जूस, जब हम उसके एलोए का लीव को लेकर हम उसके जो उसमें होता है लीव में, उसको हम क्या करते हैं, उसके कलेक्ट कर लेते हैं, कलेक्ट करने के बाद उसको हम ड्राई करते हैं और उसको बाय थेरेप्यूटिक डायरेक्ट हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक्सट्रैक्ट ब्लैक कटैचू एगार, एक्सट्रैक्ट यानी डिकॉक्शन के द्वारा हम इसका एक्सट्रैक्शन करते हैं, एक्सट्रैक्शन मेथड द्वारा। क्या है कि कोई भी एकेसिया कैटेगरी का प्लांट होता है उसको हम क्या करते हैं, उसकी वुड जो हार्ड वुड होती है, उसके अंदर की जो हार्ड वुड होती है उसको क्या करते हैं कि उसको किसी साल्वेंट में रख के बॉयल कर लेते हैं। बॉयल करने के बाद हम क्या करते हैं, उसका छान के और उसको जो स्ट्रेक्ट बचा होता है उसको हम सुखा लेते हैं और उसको हम ब्लैक कटैचू के रूप में ऑब्टेन करते हैं और हम इसे डायरेक्टली थेरेप्यूटिक यूज करते हैं। और इसी प्रकार एगार भी है, एगार को हम रेड एल्गी से ऑब्टेन करते हैं बाय डिकॉक्शन मेथड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, गम क्या होते हैं, गम अकेसिया गम ट्रेगाकैंथ, अकेसिया गम जो होता है ये ऑब्टेन होता है बाय नेचुरल सिक्रेशन। ठीक है, नेचुरल सिक्रेशन से ये जैसे बबुल का पेड़ हो गया, अकेसिया बबुल के पेड़ से सिक्रीट उसके रूट और स्टेम में एक प्लांट में सिक्रीट होता है गम टाइप का एक रेजिन, जिसको हम ऑब्टेन कर लेते हैं और उसको हम बाय थेरेप्यूटिक यूज करते हैं। ठीक है, और ट्रेगाकैंथ को भी हम बाय थेरेप्यूटिक डायरेक्ट ही यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, रेजिन
रेजिन को हम लोग दो टाइप से डिवाइड किए हैं, ठीक है, ओलियो रेजिन, ओलियो गम रेजिन मार्स में होता है, स्पोडिटा होता है, में पाया जाता है, ओलियो रेजिन ये कैप्सिकम और जिंजर में। तो हम इसको कैसे करते हैं कि ओलियो रेजिन गम में जो स्पोडिटा का होता है, स्पोडिटा मतलब हींग, हींग में ओलियो गम होता है और रेजिन मतलब वोलाटाइल आर गम और रेजिन तीनों होते हैं। और इसमें क्या होता है ओलियो रेजिन में, इस कैप्सिकम में और जिंजर में, इसको हम बाय आइसोलेशन ऑब्टेन करके यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वोलाटाइल आयल, वोलाटाइल आयल को हम लोग किस तरह बाय एक्सट्रैक्शन यूज करके हम इसके ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि यूकेलिप्टस आयल, यूकेलिप्टस के लीव को लेकर हम उसका क्या करते हैं एक्सट्रैक्शन करते हैं। और वोलाटाइल आयल होता क्या है, ये अगर इसको रूम टेम्परेचर पर रख दे तो ये क्या होता है इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार क्लोव आयल है, ठीक है, मिंथा आयल है, ये सब क्या है वोलाटाइल आयल है। अब हम बात करते हैं वैक्स की, वैक्स क्या है, जैसे वी वैक्स, वी वैक्स क्या है कि हनी कॉम्ब से जो वैक्स हम ऑब्टेन करते हैं और उस वैक्स को हम क्या करते हैं डायरेक्टली थेरेप्यूटिक यूज कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फिक्स्ड ऑयल या फैट, ये फिक्स्ड ऑयल या फैट, ये कस्टर्ड ऑयल और वुड फैट, जो कस्टर्ड ऑयल होता है तो कस्टर्ड से हम, मस्टर्ड से हम कस्टर्ड ऑयल, और वुड फैट जो सीप से वुड फैट को ऑब्टेन करते हैं और कस्टर्ड ऑयल को कस्टर्ड से यूज करते हैं, ठीक है। आज का हमारा जो टॉपिक है ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग्स वो क्या है, मेनली ये जो जो इनकी ओरिजिन है प्लांट, एनिमल और मिनरल है, ये इसमें किसी प्लांट या एनिमल का कोई पार्ट नहीं यूज होता, इसका प्लांट और एनिमल का इसमें ड्राइव सब्सटेंस यूज होता है और मिनरल ओरिजिन होता है, इसमें कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक है। धन्यवाद, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।